श्रोता, श्री गुरु पूनम की तिथि पुण्यतिथि में गुरु महिमा सुनने से मन निर्मल हो जाता है। श्रोता सुन रहे हैं ना, प्रफुल्ल हो जाता है। गंगा जल जिस जल नहीं, वृंदावन की धूली जिस धूली नहीं, पूरी धाम का महाप्रसाद जिस प्रसाद नहीं। यदि आप आकिंचन साधु के मुख से श्री हरि कथा में तो पान नहीं करते हैं तो आपको मालूम कैसे होगा कि साधु मुख से निश्चित श्री हरि कथा इन तीन ब्रह्म वस्तुओं के समान है। श्री हरि कथा साधारण कथा नहीं है, श्रोता प्रेम दान करता है। आकिंचन साधु मुख से श्री हरि नामामृत पान कीजिए। इसी गुरु पूनम में इसे सुनने से संसार ताप संसार भावना का नाश होता है। विवेक और वैराग्य को पाने के लिए वस्त्र को रंगीन बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, कुछ नहीं है। गृह त्याग त्याग नहीं सोता, स्त्री त्याग त्याग नहीं है सोता, धन त्याग त्याग नहीं है सोता। आपने अभिमान और अहंकार का त्याग ही वास्तविक त्याग है। आज श्री गुरु पूनम में आपने साक्षी चैतन्य में चित्त को शांत करो, शांत प्रशांत। इस शांत होना ही त्याग है श्रोता, इस प्रशांत होना ही त्याग है। शांत प्रशांत श्रोता, आप लोग तो मुंह से कहते हैं अखंड मंडलाकारम, लेकिन अनुभूति लाभ नहीं हो रहा है। क्यों? कारण साधु संग लाभ नहीं हुआ। श्री गुरु पूनम में श्रीमद भागवत के एक श्लोक याद आ रहा है। श्रीमद भागवत के वक्ता लोग, आप लोग मेरे अपराध को क्षमा करो, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोगों को मेरा कहना पसंद नहीं है, और पसंद होता है तो श्री लीला कथा आप बेच नहीं पाते। श्लोक श्लोक का आप लोग सुन लो न कामयहम गतिमीश्वरात् परम अष्टद्विजूतम् अपुनः भवं वा आर्तिं प्रपद्य अखिल देहभाजाम् अन्तःस्थितो येन भवन्ति दुःखाः। अखंड मंडलाकारं बोलने से ही सर्वभूत में श्री गुरु का दर्शन नहीं होता। सोता काय मनो वास से भारत वासो की सेवा करनी पड़ेगी। श्री गुरु पूनम का दूसरा नाम है श्री गोविंद में मन शांत करने का दिन। प्राणों से प्राण मिलते हैं, गुरु और शिष्य मिलकर एक हो जाते हैं एकाकार। शास्त्रों का कठोर शासन, जाग पूजा आराधना तपस्या यह सब कुछ नहीं सोता, कुछ नहीं है। सुमधुर हंसी के साथ ही श्री गुरुदेव बताते हैं, गुरुदेव बताते हैं मधुमय वाणी से श्री गुरुदेव बताते हैं कि सोन सोन सोन। नयन के सामने ना रहने से उसको विरह नहीं कहा जाता। श्रोता सुन रहे हैं, साधु व भाले आप सबसे नहीं मिलते हैं इसलिए मुझे कहना पड़ता है। नयन के सामने ना रहने से उसको विरह नहीं कहा जाता। देख लो मैं हूँ, हर गुरु पूनम में तुमसे मिलेंगे। श्री गुरु पूनम विश्व प्रेम लेकर आती है, सर्वत्र आनंदी आनंद। तुम सब के मन आनंद में डुबा कर कैसे डुबा पाओगे? साधु संग करो, साधु संग कारी सबका आश्रय बन जाता है। श्रोता गुरुमय हो जाएंगे सब लोग, मन में अतृप्ति का समाप्त हो जाएगी। श्रोता अब इस वृद्ध साधु से यह मत कहना कि बाबा जी हम लोग तो रस में डूबे हुए हैं। हम लोग चारों तरफ मोहल्ला मोहल्ला में रस पीने के लिए व्यवस्था है, दुकान खुला है, रस पियो आनंद करो,
चारों तरफ द्राक्षारस से फैला हुआ है। बहुत प्रकार के रस है बाबा जी, जैसे अंगूर, ताल, नारियल, अनानास आदि आदि बाबा जी। हम सब तो रसिक है बाबा जी, और सायंकाल को इनका पान पान करते हैं। फिर लड़खड़ाते कदमों से घर आपस आते हैं बाबा जी, और मद मस्त मद होश होके भूमि पर गिर जाता हूँ बाबा जी। मद होशी में ही कुछ कुछ बड़ बड़ाता रहता हूँ। यही है हम सबके रसिक जीवन का परिचय बाबा जी। वृद्ध साधु बाबा जी आप तो गाते हैं ना, दधान कलशे रस ब्रह्मानंद बोली मंत्र, आप तो सुनाते हैं बाबा जी। रस वै रस श्रीमद भगवत गीता, गीता व्याख्या करते आप तो बाबा जी। बाबा जी यह कहता है ना, जो पार्थ सारथी ने कुंती नंदन से कहा है, रस 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 पुण्य मधुर तन मात्र रूप सर्व समर्पम सार कारण भूत जह ओप्सु सर्वस्व अनुगत सो अहम हे कुंती सहम। जल का दूसरा नाम ही है बाबा जी जीवन, जीवन सोता। आज गुरु पूनम में श्री गुरु पूनम की कथा, एक छोटी सी गान। इस गान का राग तो आप लोग ढूंढ नहीं पाए, लेकिन मैं गाता हूं, आप लोग बजाओ प्रेम से बजाओ। ये आपके लिए, सिर्फ आपके लिए बजाओ, अपनी दिखाओ। रस विहरी प्रेम भिकारी सिहरी रस भिकार, रस विहरी प्रेम भिकार सिहरी बन मान। रस विकारी प्रेम विकारी सिहरी बनवारी रस विहार, सिहरी बन कर रस भिकारी, रस 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 भिकारी प्रेम भिकारी सी ढोल बजा कर रस भिकारी, खेल रहे रंग की हरी, खेल रहे रंग की हरी, रंग की हरी, रंग की हरी,
रूप नामे रूप लियो है देहिका। श्रोता, श्री गुरु पूनम केवल गुरु को प्रणाम करने का दिन नहीं है, आप सब लोग अपने माता पिता को प्रणाम तो क्या है ना, माँ लोगों के माँ लोग गुस्सा मत करो हैं। गुरु पूनम में स्वामी को प्रणाम करना चाहिए ना, स्वामी गुरु और जगत स्वामी है श्री कृष्ण। माँ लोगों के स्वामी जन आप लोग क्या करोगे, आपने क्या जगत के स्वामी को प्रणाम किया है? क्या आप लोगों ने अपने विद्यालय के शिक्षक को प्रणाम किया है? श्रोता, आज आप शारीरिक व्याधि के चिकित्सक को भी प्रणाम करना आप लोग किए हैं। चिकित्सक ने आपके अशोक अभय और अमृत पान योग्य शरीर को स्वस्थ रखते हैं। श्री गीता में पार्थ सारथी ने कहा है अहम औषधम, देह की व्याधि, मन की व्याधि, भाव की व्याधि सब कुछ श्री गुरु पूनम में नष्ट हो जाता है। औषधम प्रभम अन्नम सर्वोई प्राणिभिः भुज्यमानम भेषजवा। औषधि अर्थात धान आदि सरस अर्थात रोग नाशकारी भेषज। श्री गुरु पूनम में पूनम बोलती है कि श्री कृष्ण नाम ही सर्वमूल आधार, श्री कृष्ण के गुण में सदा आनंद ही आनंद। श्रोता अनुभव कीजिए, बाहु में मधु है, बाहु में मधु है, नदी में मधु है, औषधि में मधु है। श्री गुरु पूनम के दिन और रात, दिन और रात आनंद में आत्मा हरी भरी रहती है। धरती की धूली आज सुधा से भरी है श्रोता, इसलिए कवि चूड़ामणि रस शिल्पी वेदव्यास जी ने गीत गाया श्रोता। संपूर्ण जगते नंदन बना, नंदन बना, संपूर्ण जगते नंदन बना। सर्वेऽपि कल्पद्रुमः गंगम बारी समग्र बारिनिवः, गंगम बारी समग्र बारिनिवः, पुनः समस्तः स्त्रियः। भारत की नारी पुनः समस्तः स्त्रियः। गुरु पूनम श्री गुरु पूनम, गुरु पूनम श्री गुरु पूनम, वाचः प्राकृत संस्कृत श्रुति शिरो। कृष्ण 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 हरनो सिमेदिनि सर्वयवस्थिति ब्रह्म विषया, हरनो सिमेदिनि सर्वयवस्थिति ब्रह्म विषया।
दृष्टि तू सत्ते पारे, दृष्टि तू सत्ते पारे, कृष्ण बंदे जगत गुरु, कृष्ण बंदे जगत Namandi jagaguru Sota, Sota, Bharatiya Sabhyata ke jitne dharok aur bahak hai, usme se do naam hai. Aparajeya Samohima me chira ujjal do naam, ek naam Maharshi Krishna Dvaipayan Vyas, aur Shri Krishna Vasudev Vasneya Sota. एक लघु कथा सुनिए. श्री गुरुपूनम में पंजाब केसरी रंजीत सिंह की याद आती है. हर गुरुपूनम याद आती रहती है. पंजाब केसरी रंजीत सिंह, पंजाब केसरी श्री रंजीत सिंह को मुगल सम्राट विशेष सम्मान से अलंकृत करते थे, बहुत सम्मान करते थे. एक दिन सायंकाल के समय नगर के कोने पर चंदन के वृक्ष से घिरा एक सुंदर चंदन मंच बनाया गया. श्री गुरु पूनम के चांद को देखकर पंजाब केसर के हृदय में भक्ति गंगा का प्रवाह बहने लगा. महाराजा रंजीत सिंह श्री गुरु पूनम की सुंदर छटा देखकर भाव विभोर होकर भक्ति भाव में डूब गए. तभी अचानक कहीं से एक पत्थर उनके सिर में लगा और महाराज रंजीत सिंह पत्थर की चोट की पीड़ा के कारण वशतः वही बोट गए तथा आंख बंद करके सोचने लगे कि सेनापति के साथ रहते हुए किसने इतना दुस्साहस और निष्कृष्ट कार्य किया है. आँख खोलने पर उन्होंने एक वृद्धा को अपने सामने खड़ा पाया. वह वृद्धा स्त्री महाराजा से क्षमा मांग रही थी और भय से कांप रही थी. सेनापति ने कहा, महाराज महाराज, यही वृद्धा स्त्री इस वन में घूम रही थी, इसी ने पत्थर फेंका. महाराज ने एकदम शांत और स्थिर भाव में रहकर उस वृद्धा से पूछा, माया, आपने इस पुत्र को इस तरह से सजा क्यों दी? माया, उस वृद्धा ने कहा, महाराज, आपको मारने के लिए पत्थर नहीं फेंका, मैं और मेरे पुत्र ने दिन भर उपवास में रहा, कुछ खाने को ही नहीं मिला महाराज, इसीलिए महाराज वृक्ष में लगे हुए पाके बेल को तोड़ने के लिए फेंका था, पत्थर फेंका था महाराज. महाराज आज श्री गुरु पूनम में महाराज एक टक देख रहे हैं. मेरो राज्य में भयानक गरीब अवस्था में पीड़ित है, अभावग्रस्त लोग है. वृद्धा ने कहा, महाराज आज श्री गुरु पूनम में धनी लोग उपवास करते हैं पर हम गरीबों को कहाँ पूनम कहाँ अवश्य. गरीबों को का उपवास तो प्रतिदिन ही होता है महाराज. मेरा पुत्र भूख से व्याकुल था और बहुत रो रहा था. महाराज असमय का बेल है, यह असमय का बेल है, इसलिए महाराज
मुझसे ऐसा कृत्य हो गया जिससे आपको चोट लग गई महाराज। महाराज रजनीत सिंह उस वृद्धा की कहानी सुनकर द्रवित हो गई और उनके नेत्र सजल हो गए। उन्होंने अपने मंत्री अर्थमंत्री को आदेश दिया कि वृद्धा की सभी कठिनाई अर्थात सारे अभाव तुरंत दूर किए जाए। प्रधान सेनापति ने महाराज से कहा, नहीं 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 महाराज 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 विचार चाहिए, आप ऐसा करेंगे शासन चलाना मुश्किल होगा महाराज, दान के बदले पुरस्कार। महाराज ने हंसकर कहा, बेल का वृक्ष तो मानहीन है, बुद्धिहीन है, दयाहीन है और उपेक्षित होता है, फिर भी पत्थर का आघात खाकर भी यदि वे वृक्ष एक सुंदर मधुर सरस और शास्त्र वर्धक फल उपहार में देता है तो हम हृदयवान बुद्धिमान होकर इसको दंड कैसे दे सकते हैं। सेनापति, तुम जो कहा कुछ कुछ ठीक है, लेकिन आज गुरु पूनम है ना, श्री गुरु पूनम का चांद सबके हृदय में प्रेम का प्रकाश करता है और सब लोग गुरु पूनम की चांदनी की तरह निर्मल हो जाते हैं और सब लोग ये गीत गाते हैं। बढ़िया से पकड़ा विलास खान टोली।